हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा। कल मैं हल्द्वानी से दौरा आ गई थी, शाम को मैं पहुंच चुकी थी। और यार पता है, हम लोग 7 मार्च को गए थे हल्द्वानी और कल हम 19 को आए हैं। इतना 13-14 दिन कैसे निकले हैं पता ही नहीं चला। फैमिली के संग ना टाइम कब निकलता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता। अकेले तो इंसान बोर हो जाता है, लेकिन फैमिली के संग बिल्कुल भी नहीं पता चलता। और हमने काफ़ी मस्ती भी की, होली भी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने मेरा होली वाला व्लॉग देखा होगा, और जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिए, होली वाले व्लॉग को। काफ़ी बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा। और वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग भी करी, ज़्यादा तो नहीं करी लेकिन थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, वो मैं आपके संग अभी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो ये है मेरा शॉपिंग बैग, मैं वन बाई वन करके आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक कुर्ती ली है कुछ इस कलर में, ये पैरेट ग्रीन में है, बहुत प्यारी कुर्ती है, बहुत प्यारी। फुल लेंथ है इसकी, बटन भी दिए गए हैं आगे छोटे छोटे से, ये 4-5 बटन है। देखिए कुर्ती में ये फ्लावर बने हैं, बहुत प्यारा प्रिंट है, बहुत प्यारा कलर है। तो एक मैंने ये कुर्ती ली है, एक कुर्ती मेरी इस कलर में है, ब्राउन बोल सकते हैं हम लोग। देखिए कुछ टॉप भी लिए हैं मैंने, एक उनमें से ये है कलर वाइट, ये क्रॉप टॉप है। एक मेरा टॉप ये है, ये फुल लेंथ का टॉप है। अगेन एक टॉप मैंने वाइट लिया है, और एक मैंने लिया है ग्रे कलर में, इसकी लेंथ भी फुल है। और एक मैंने कैप्री ली है ब्लैक में, और एक फुल लेंथ का लोअर लिया है मैंने ये ग्रे कलर में। कुर्ती के संग लेगिंग एक मैंने इसमें लिए है पिंक कलर में, एक फुल लेंथ है मैंने येलो कलर में लिया है, इसकी लेंथ भी फुल है। तो कपड़ों में मैंने इतना ही शॉपिंग करी है, और कुछ मैंने छोटे आइटम्स ले रखे हैं लोकल मार्केट से, क्योंकि यार अप्रैल में मेरी सिस्टर इन लॉ की भी शादी है, तो साइड बाय साइड उसकी भी शॉपिंग हो रही है शादी की, तो उसी के लिए मैंने कुछ छोटे मोटे लोकल मार्केट से आइटम लिए, मैं वो भी आपके संग शेयर करती हूँ अभी। तो एक मैंने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर, देखिए पिंक कलर में। मैंने लिया है ब्लीच, ये डायमंड ब्लीच है नेचर्स की, और 2 बिंदी के पत्ते भी लिए मैंने, एक रेड में लिए हैं, ये 3 है और तीनों रेड है, मल्टी कलर्स में लिए हैं। इसमें सारे कलर्स आ जाते हैं यार, ग्रीन रेड येलो पिंक, जो भी आप साड़ी पहनो तो उसमें अच्छे से यूज़ भी हो जाते हैं। कुछ छोटे इयररिंग्स भी लिए हैं मैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। एक तो कुछ इस कलर में है, ये ब्लैक एंड वाइट में मिक्स है, अगर आप ढंग से देख पा रहे होंगे कैमरे में। और दूसरा ये भी ब्लैक एंड वाइट है, लोकल मार्केट से मैंने इतनी ही शॉपिंग करी है। एंड यस फ्रेंड, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल हमें हर न्यूज़ चैनल पे सुनाई दे रहा है, दैट इज़ अ कोरोना वायरस, कोविड-19। इस वायरस की कोई भी एंटी ड्रग अभी तक नहीं बन पाई है, तो हमें खुद प्रिकॉशन लेना पड़ेगा इस वायरस से बचने के लिए। आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस लाने होंगे, जैसे कि अगर आपको बाहर, घर से बाहर आप लोग जा रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशन आप लोग रखिए, और अगर आपको ज़्यादा ही जाने की ज़रूरत है, इमरजेंसी है, तभी जाइए, अदरवाइज़ आप घर पर ही रहिए। आप बाहर जाके किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम आप 1 मीटर डिस्टेंस बनाए रखिए, ठीक है, और अपने हैंड सैनिटाइज करिए हमेशा। और अगर आप लोग घर में हैं तो अपना सोप से धोइए हाथ, और हैंड स्क्रब होता है उससे आप धो सकते हैं अपने हाथ। लेकिन अगर सैनिटाइज़र भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपके पास सोप अवेलेबल नहीं है तो आप तो ही इसका यूज़ करिए आप सैनिटाइज़र का, अदरवाइज़ आप घर में ही बैठे हैं तो आप सोप या स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि आपको फीवर है, कफ है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें अपने, क्योंकि ये इसका जो सिम्टम्स ही यही है कि इसमें थोड़ा हेडेक होता है और कफ होता है, कोल्ड भी होता है,
और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हल्की हल्की देखी गई है इसमें, तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर से तुरंत। अपने आप ही डॉक्टर ना बनिए, अपने आप ही आप कोई भी कोल्ड की या हेडेक की मेडिसिन ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस मेडिसिन को आप लें। कोई भी डॉक्टर अगर आपको कंसल्ट करता है, कोई भी मेडिसिन आप उसी को लें, अपने आप बिल्कुल ना लें। जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो मास्क भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे और वो बाहर घूम रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उनका वायरस किसी और जो हेल्थी पर्सन है उसको भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए जो मास्क लगाने की ज़रूरत उन्हीं पर्सन को है, उन्हीं लोगों को है जो इन्फेक्टेड है, और जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको मास्क लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट वो डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर रखें। और कहीं भी आप अगर आप बाहर जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, पहले बात तो अगर आपको इतनी इमरजेंसी नहीं है तो आप प्लीज़ घर में ही रहिए। अगर फिर भी आपको लगता है आपको जाना ज़रूरी है, तो आप जहाँ भी टच करते हैं, मान लीजिए कोई भी कुछ सामान है उसको आप टच कर रहे हैं, तो उसके बाद अपना हैंड सैनिटाइज ज़रूर करिए। हो सकता है कि उस सामान को, उस चीज़ को, उस कपड़े को किसी और पर्सन ने भी टच किया हो जो इन्फेक्टेड हो, और आप उसको टच कर रहे हैं, तो हो सकता है वो वायरस आप में भी आए। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप थोड़ी सी प्रिकॉशन लेंगे और लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, अगर आपको हैबिट है कि आप मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए आप उसको भी मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप वॉक में जा रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसे पर्सन हो जो इन्फेक्टेड हो, ठीक है, और उस इंसान को भी नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड है, और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो वो वायरस आपको भी आ सकता है। इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि हमें इस टाइम पे थोड़ी प्रिकॉशन लेनी है। और जैसे कि आप सब लोग को पता है, 22 मार्च को पीएम मोदी जी ने कर्फ्यू डे अनाउंस किया है, और हम सबको भी इस चीज़ का पालन करना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ हमारी सेफ्टी के लिए ही है। और उस दिन सब लोग अपने घर में ही रहें, और वैसे भी अगर कर्फ्यू डे के अलावा भी और डेज जो हैं वो भी आप अगर अपने घर में ही रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर जाने से क्या है, अगर हम क्राउडेड एरिया में जाएंगे तो हो सकता है वो वायरस हमको इन्फेक्ट कर जाए। इसलिए हमको इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर इमरजेंसी हो तो ही हम घर से बाहर जाएं, अदरवाइज़ घर में ही रहे। लास्ट में दोबारा बोलूँगी, प्लीज़ क्राउडेड एरिया में जाने से बचें, और अपने हैंड को वॉश करें हमेशा कहीं भी जाते हैं, और अगर आप बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र अपने पास रखिए, और अगर आप घर में ही हैं तो फिर भी आप सोप से अपने हैंड वॉश करते रहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।